वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्जाम के लिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्लेलिस्ट को आप जरूर सेव कर लिए, ताकि जितनी भी वीडियो इस तरह की आए वो एक ही प्लेलिस्ट में आएगी। तो आपको उस प्लेलिस्ट में बार बार वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिक वीडियो अपडेट होती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बताना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। निम्न में से किसका आगमन हुआ था और उस वक्त लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत आया था ये, ठीक है। भारत आगमन कब हुआ था इसका? 1928 में। और इसका गठन कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1927 में, 1927 में इसका गठन हुआ था। लाला लाजपत राय की जब बात की जाती है तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कि एक कथन है इनका जिसको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कि इन्होंने एक इसी कमीशन की, इसमें साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने काफ़ी लाठी इन्हें लगी थी, इनके ऊपर प्रहार हुआ था अंग्रेजों की लाठी का, और इस लाठी की वजह से इन्होंने एक वर्ड, एक लाइन बोली थी कि मेरे शरीर के ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का कील साबित होगा, ठीक है। ये इनका जो है ये वक्तव्य था, एक लाइन में इन्होंने कहा था। तो इस चीज़ को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो लाला लाजपत राय का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री था? वित्त मंत्री को, जैसे आज के डेट में हम लोग फिनांस मिनिस्टर कहते हैं, उस वक्त वित्त का जो प्रमुख था, ठीक है, राजस्व प्रमुख भी उसको कहते थे, वित्त प्रमुख कह दीजिए, राजस्व प्रमुख कहिए, ये सभी एक ही चीज़ था। तो उस वक्त कौन था? तो उस वक्त टोडरमल किसके वित्त, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री था? अकबर के यहाँ वित्त मंत्री था। और यहाँ पर एक दो चीज़ और आपको याद रखना होगा, कि अकबर से पहले भी टोडरमल वित्त मंत्री के तौर पर काम कर चुका है, राजस्व मंत्रालय या राजस्व का प्रमुख के तौर पर काम कर चुका है। किसके पास कर चुका है अकबर से पहले? अकबर के पहले इसने काम किया था शेर शाह सूरी के पास, ठीक है, शेर शाह सूरी के पास। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? प्रोटॉन संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आपको एक दो चीज़ यहाँ पर यह देखना है कि समस्थानिक को इंग्लिश में कई बार इंग्लिश वर्ड भी दे दिया जाता है, तो आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स, और जो संभारिक होता है उसको कहते हैं आइसोबार, आइसोबार को कहते हैं संभारिक, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोटोप्स के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया परमाणु जिनकी प्रोटोन संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238, आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है? आपस में समस्थानिक हैं, ठीक है, आपस में आइसोटोप्स हैं ये, इनको आप याद रखिएगा। इसी तरह से कार्बन का भी आप याद रख सकते हैं, C6-12, C6-12 और C6-14, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन के जो है ये आइसोटोप्स हैं और ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर मिलती है और जो परमाणु भार है वो अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो चीज़ और आपको याद, जो मैंने आपको ये संभारिक बताया तो संभारिक की परिभाषा भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में समस्थानिक जब पूछेगा तो संभारिक भी पूछ सकता है। तो संभारिक के बारे में आपको क्या लिखना है, कि जो संभारिक होता है इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है, इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है परंतु यहाँ पर जो परमाणु भार है वो समान होता है, ठीक है। परमाणु संख्या अलग अलग होगी लेकिन जो परमाणु भार है वो एक समान होता है, परमाणु भार जो होगा वो एक समान होगा और जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग होगी, उसको हम लोग कहेंगे संभारिक। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है?
विकिरण के लिए जो सबसे अच्छा अवशोषक रंग है वो है काला, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सफ़ेद रंग भी दिया गया है जिसे श्वेत यहाँ पर वाइट कहते हैं, तो ये किस चीज़ का है, ये परावर्तक का सबसे अच्छा कलर है। ठीक है, इसीलिए सर्दी के समय में जब हम देखिए ये अवशोषक है काला रंग, इसीलिए हमें कहा जाता है कि गर्मी के समय में हमें काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, काले रंग के कपड़े को पहनने से हमें और गर्मी लगेगी, क्योंकि जो हम काला रंग है वो प्रकाश को अवशोषित करेगा और उसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन छाता का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक कलर का क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की जो गर्मी है उसको रोकता है, और रोकने की वजह से हमें वो नहीं पहुंचती क्योंकि छाता हमसे दूर होता है। ठीक, उसी तरह से श्वेत प्रकाश को कहा जाता है कि ये परावर्तक होता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश जब हमारे हम इसलिए हम वाइट शर्ट पहनने को हमें सलाह दी जाती है, गर्मी के समय में हमें वाइट शर्ट में जो है काफ़ी आराम मिलता है, इसलिए क्योंकि ये जो सूर्य की प्रकाश है या गर्मी है इसको परावर्तित कर देता है, तो हमारी बॉडी से ये बाहर चला जाता है, हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचता, इसी वजह से वाइट कपड़े जो है वाइट कलर यहाँ पर आप कहेंगे इसको परावर्तक कलर के रूप में आप इसको कह सकते हैं। अगला यहाँ पर जो है वो है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगने की जो शर्त होती है वो है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, इसको आप इस तरह से याद रखें SEM। ठीक है, सेम याद रखेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा ये चंद्र ग्रहण है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा कब लगता है ये हमने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के बारे में हमने डिटेल में बताया है, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ पर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बीजों का अंकुरण जब होगा तो उसके लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उचित टेम्परेचर की आवश्यकता बिल्कुल होती है, जल की भी आवश्यकता होगी, वायु की भी होगी, साथ में एक चीज़ आपको याद रखना है आर्द्रता की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की भी आवश्यकता होती है, तो ये आप याद रखना है, लेकिन ये जो प्रकाश है इसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कुछ जगह पर हो भी सकती है लेकिन मैक्सिमम चांस में क्या होता है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है बीज के अंकुरण के लिए। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है सूर्य के परितः यानी सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ क्या है, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ जो है वो कैसा होता है, तो वो होता है दीर्घवृत्तीय, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय या इसी को कहते हैं इलिप्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण जो उसको जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसमें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर और राइट आंसर हो जाएगा, साथ में आपको प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसको भी आपको याद रखना है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की तो आवश्यकता होती होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे या आप कहते हैं पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन होगा उसका आंसर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया रोग जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लीहा, प्लीहा को हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली या फिर स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम है प्लीहा तिल्ली या फिर स्प्लीन, तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करेगा, प्लीहा को तिल्ली को या स्प्लीन को, अगर कभी ऑप्शन में ये तीनों ना हो और ऑप्शन के अंदर अगर आपके सामने अस्थि मज्जा लिखा हो, ठीक है, अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, तो ये बोन मैरो को भी प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मलेरिया रोग की वजह से RBC में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, मलेरिया का जो प्रोटोजुआ होता है वो उसका नाम क्या है, प्रोटोजुआ का इसके नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये आप याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसका ये जो संक्रमण है वो किसके थ्रू फैलता, किसके थ्रू है जिसको संक्रमण कहते हैं, तो ये फैलता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। ठीक है, मादा एनोफ्लीज मच्छर ये इसका वाहक है। ठीक है, संक्रमण यानी जो इससे ये रोग जो फैलता है
वो इसी की वजह से फैलता है। इसके प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई, इसमें बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ जिसमें बाबर जीत गया और पराजित कौन हुआ ये पूछा गया है। तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्धिकरण करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन रक्त का करता है फेफड़ा। इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अगर डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जो प्यूरिफिकेशन है वो फेफड़ा करता है, यानी इम्प्योर ब्लड, यानी जो अशुद्ध जो ब्लड है हमारे शरीर का वो हृदय भेजता है फेफड़े को शुद्धिकरण के लिए, प्योर करने के लिए। तो आंसर होगा फेफड़ा। गुर्दे की बात करें तो गुर्दा यानी किडनी, ये क्या करता है? ये फिल्टर करता है, ठीक है, ये फिल्टर करता है और बॉडी से क्या करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, ठीक है, फिल्टर करेगा टॉक्सिन एंड जो है उसको बाहर निकालता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक वेबसाइट अभी ओपन करूंगा, जिस वेबसाइट को आप भी ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट आपके अपने देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी एम्स की है, और उस एम्स की वेबसाइट पर आप ये देख सकते हैं कि ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है। मैं वो कंटेंट आपको दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए उस हम वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये वेबसाइट मैं ले आ गए हूँ, aims.edu। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द हर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एम्स की वेबसाइट है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें ये aims.edu ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें यहाँ पर पार्ट्स ऑफ हर्ट लिखा गया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आप यहाँ पर कंटेंट पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा गया है। द हर्ट एक्ट एज अ पंप, इट डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, द राइट पोर्शन रिसीव्स ब्लड, द राइट पोर्शन रिसीव ब्लड, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रिसीव्स ब्लड विच इज इम्प्योर, यानी जो अशुद्ध रक्त है वो राइट पोर्शन जो है हर्ट का रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, शरीर से अशुद्ध रक्त को जो हर्ट है वो क्या करता है, रिसीव करता है जो हर्ट का राइट पार्ट है, एंड पंप द सेम टू द लंग फॉर प्योरिफिकेशन। यही लाइन क्लियर करती है कि द जो राइट पोर्शन रिसीव ब्लड विच इज इम्प्योर फ्रॉम द बॉडी एंड पंप द सेम टू द लंग, ये लंग्स को भेजता है यानी फेफड़े को भेजता है फॉर प्योरिफिकेशन। तो ये लाइन आपको क्लियर करती है कि जो ब्लड का प्योरिफिकेशन है वो लंग्स करता है, और ये कोई और नहीं बता रहा है, ये जो एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हमारे भारत का है, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये बताता है। तो इसलिए आप इस पर ट्रस्ट करें, कहीं भी आपके एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन में देखिए कि अगर आपके सामने किडनी दिया गया है तो वो वर्ड फिल्टर यूज़ किया गया है या नहीं। अगर फिल्टर नहीं यूज किया गया है, प्यूरिफिकेशन यूज़ किया गया है, तो फेफड़ा 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है। तो अगर दूर की व्यक्ति वस्तु किसी को नहीं दिखती है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है अगर किसी वस्तु व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक उल्टा होता है, अगर नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके इलाज के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस याद रखिएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल इसको इस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है, हृदय रोग जो है इसमें से एंजिना पेक्टोरिस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ तथा अधिक से अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है। देखिए फिल्टर वर्ड आया, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब फिल्टर वर्ड आएगा तो आप आंसर करेंगे किडनी, यानी यहाँ पर गुर्दा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किडनी, गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंदन कानन चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंदन कानन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। देखिए नंदन कानन चिड़ियाघर की स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी, और इस नंदन कानन चिड़ियाघर को गार्डन ऑफ द हेवन भी कहते हैं, गार्डन ऑफ द हेवन कहते हैं, गार्डन ऑफ द हेवन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, गार्डन ऑफ द हेवन कहते हैं इस नंदन कानन चिड़ियाघर को जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अग्निशामक में कौन से गैस के प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के अंदर जो गैस के, ये इसको कहते हैं फायर एग्जिस्टिंगर, ठीक है, जो कि आग बुझाने के यंत्र होता है एक छोटा सा, जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व यानी रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है? भारत सरकार का जो सर्वाधिक राजस्व वाला टैक्स है वो कौन सा है? यह है कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट कर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपने देखा होगा अभी वर्तमान समय में ये जो एक्साइज और कस्टम है ये जो है कौन सा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, और ये जो है ये प्रत्यक्ष कर है। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर, ये इनकम टैक्स, ये भी प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद ये भी डायरेक्ट टैक्स, ये जो है ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये अब हट गया है, इसके बदले में क्या आ गया है? जीएसटी आ चुका है, एक्साइज और कस्टम ये सब जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे इसके बदले में जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कई तरह के टैक्स हैं, जैसे 0% है, 5% है, ठीक है, 12% है, 18% है, 28%, तो ये 5 तरह के हैं टोटल। जीएसटी कब आया था? जीएसटी जो है वो आपको 1 जुलाई इसकी स्थापना दिवस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य जो है वो है कुचिपुड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कथकली है, कथकली कहाँ पर है? केरल में, केरल का है ये प्रचलित नृत्य। कथक जो है ये कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया। और जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी तो बता ही दिया, आंध्र प्रदेश, तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? देखिए रबी फसल जो है वो बहुत गिनी चुनी है, आप उसको अगर याद कर लीजिएगा तो आपको बाकी टेंशन नहीं आएगा कभी। रबी फसल में जो कुछ नाम है वो आपको याद करा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है गेहूं, उसके बाद आपको याद रखना है जौ, फिर है सरसों, ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है चना, इसके बाद आपको याद रखना है मटर, ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अलसी। अलसी को कई जगह पर तीसी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 5-6 जो हैं यही हैं रबी फसल, बाकी को आप याद रखें खरीफ फसल में। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकलता है? यहाँ पर देखिए चावल नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, तो क्या है इसमें? सरसों दिया गया है, सरसों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस में क्या होता है? वाटर गैस को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं, और जल गैस जो है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो जल गैस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, इसी में कुछ चीज़ और, एक दो चीज़ और है, जैसे कि जल गैस, वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर हुआ, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिक्स कर दें, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने दिया गया है, तो क्या बनेगा? जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसके हिसाब से हम लोग कहेंगे इसको प्रोड्यूसर गैस। तो एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिक्सचर है, तो आंसर आप कीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जीके जीएस के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।